अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी खैरियत से हूँ। आज हम आए थे गाँव दोस्त के साथ, तो मैंने कहा आपको भी बताते चले। रात का टाइम हो गया, रात हो गई है तो ठंड भी बहुत है। ये चेक करें, उसके साथ आया था। ये देखिए, उस ये बैठा मैलियां खां धो ना लईए, किधरे बैठ के रो ना लईए, उन्नू इथे तकिया सी इथे झट खलो ना लईए, ओए अजमी तेरे दुख नहीं मुकने, रात पै गई हम सो ना लईए। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। नमाज पढ़ते फ्री हुआ था, मैंने सोचा कि आपको जो है ना वो बाहर का व्यू दिखाएं, कितनी धूल है, मौसम कैसा है, चेक करें। धुंध धुंध कम हो गई है, ठंड इतनी महसूस नहीं हो रही, ठीक है, नॉर्मल है मौसम। धुंध है हल्की हल्की, ऊपर ज्यादा धुंध है, नीचे कम है। देखें अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने सोचा थोड़ी सी वॉक भी कर ले और आपसे गपशप भी कर ले। मस्जिद में सलाम पढ़ा जा रहा है, आवाज आपको आ रही होगी। सुबह की नमाज़ पढ़ने के बाद जब सनराइज़ शुरू हो जाता है ना, उसके बाद जब बंदा सोता है ना, तो बहुत ही सुकून की नींद आती है, बहुत ही सुकून की नींद आती है। तो मैं तो कोशिश करता हूँ कि सुबह उठूँ, उठ के पहले जो है वो नीम गर्म पानी, एक दो गिलास नीम गर्म पानी पीऊँ। नीम गर्म पानी पीने के बाद जो है ना नमाज पढ़े, नमाज पढ़ के फिर उसके बाद जब सनराइज स्टार्ट हो तब भी उसके बाद जो है ना सोना होता है, फिर उसके बाद शौक की तैयारी। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब भी कमेंट कर कर बताइएगा, जो हमें प्यार करने वाले हैं वो उनकी क्या क्या रूटीन है और हमें वो क्या सजेशन देते हैं कि हम अपनी टीम में क्या तब्दीली लाएँ और मज़ीद क्या बेहतर करें। गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गोजरा के मशहूर समोसा कॉर्नर फिक्का समोसा बहुत मशहूर है गोजरा का, कभी आप आएँ तो यहाँ से समोसा खाइएगा, इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। मैं अब समोसा टेस्ट करने जा रहा हूँ, आप भी आ जाएँ अगर आपने भी टेस्ट करना है। हमने बाहर से तो नज़ारा कर लिया है, समोसे की लुक चेक करें। ये देखें, ये मीठी चटनी है, ये दही है और ये देखें पूरा बीच में मटेरियल डला हुआ है, चने दही है और मीठी चटनी और सलाद। अब मैं टेस्ट करके आपको बताऊंगा बाद में कि कितना मज़ा आया। माशाल्लाह सबको जुमा मुबारक, ये दोस्त के बेटा हुआ था, माशाल्लाह ऐसा मुबारक हो गए, बहुत बहुत मुबारक घर मारे जनाब। और ये माशाल्लाह अब हम ना जो साहब दोस्त साहब आपको बर्फ़ी तकसीम करने जा रहे हैं, माशाल्लाह ये काफ़ी बर्फ़ी ली है, ये चेक करें। ये देखें, ये भी हमारा फ्रेंड एक बैठा हुआ है, ये देखें, ये देखें, ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह बर्फ़ी खा भी रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े की बर्फ़ी है, यमी यमी, और तकसीम भी करने जा रहे हैं। ये मुझे भी जनाब चेक करवाएं बर्फी, ये देखिए, आपका भी मुंह मीठा करवाएंगे इंशाल्लाह जब आप आएंगे।
जी अल्हम्दुलिल्लाह, देखें चेक ना, महसूस तो ऐसे हो रहा जैसे हम दुबई आ गए हैं, लेकिन हम आए हैं 288 गांव आ गए हैं, पहुंच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह जहां पर हम जा रहे हैं फिर वहां पहुंच कर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है दोबारा इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये जी हम 372 भुजिया वाली में पहुंच गए हैं। अब पहले हम कोई और गांव गए थे, अब 372 भुजिया वाले गांव आ गए हैं। यहाँ पर भी मिठाई देनी थी, जी हम गगोमाल आ गए हैं, गांव गगोमाल। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप जो है वो मुंगी मंगला होगा। लो जी माशाल्लाह, साढ़े पीर का नाम मोहम्मद शुएब साहब बाहर निकल आए हैं, यह साढ़े पीर मुर्शद ने, तो असं इन्होंने इस्तकबाल ही खड़े होने हर टाइम। चलो जी माशाल्लाह, चलिए मोहम्मद शुएब साहब जा रहे हैं जी माशाल्लाह अलहमदुल्ला। पीरो मुर्शद है ना मामा शेर साहब, केक और रस उठा रहे हैं, सामने काटा भी नहीं करन दिया। चौधरी नुमान वाला मुंशी बताली वाला, हाँ देखो जी माल अडाई जा रहे हैं, जो लभन दिया खाई जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खाना खाने आए थे वो बताना मैं भूल गया हूँ, ये देखो खाना खा के हम फ्री हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, खाना खा लिया है।